हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि यू डोंट नो अबाउट रूल्स। आप लोग सिर्फ प्लान ड्रॉ करते हो, आपको नहीं पता है लेआउट की थिकनेस कितनी रखते हैं, आपको नहीं पता है किस पेपर पे इसको प्रिंट करेंगे। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पहले फुल स्क्रीन में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पॉइंटर यूज कर लेता हूँ। पहले कंटेंट्स, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग, पर्पज ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स, पर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइंग शीट्स, टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशंस, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज ऑटोकैड, इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्केचिंग इंपॉर्टेंस जो होती है। सबसे पहले किसके लिए होती है स्केचिंग? इट जनरली मीन्स फ्री हैंड ड्राइंग्स। कुछ भी ड्रॉ करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? स्केच तो करना पड़ेगा ना, लाइक स्टार्ट तो करना पड़ेगा। देन ड्रॉइंग, इट इज यूजली means using drawings instrument from compass to computer to brings precisions to drawings. Drawing is one of the best way to communicate one's ideas through some from the other pictures or drawings. Drawing से क्या होता है कि हम easily समझ पाते हैं कि क्या बनने वाला है और क्या दिखने वाला है। Drawing allow efficient communications among engineers can be kept as a record of planning process. अगर आप लैंग्वेज को नहीं भी समझ पा रहे हो, फिर भी अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप इजिली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो कि मैं ये चीज बनाने जा रहा हूँ। पर्पज ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स, टू क्लैरिफाई एन आइडिया एंड टू ट्रांसलेट आइडिया इन टू द सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। इट इज जनरली फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू मेक इट intent clear and avoid confusions. Its main purpose is to make drawing easier to understand. It is also used by interior designer, construction worker, product designer and electrician, etc. The technical drawings comprise of 2D and 3D plans, section and elevation. They may be drawn to scale by hand or prepared using computer aided design यानी AutoCAD software. दोस्तों, आप सबको मैंने एक बार basic principle of drawing sheet कैसे रटना है, drawing sheet को मैंने आपको एक बार बताया था। अगर नहीं याद किया है तो एक बार फिर से याद कर लीजिए। जैसे कभी देखिए A4, आप सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ से याद करना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। A4 का डायमेंशन याद कर लो। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A4? 210 × 297 mm. अब आपसे अगर A3 पूछा जाए, आपका यहाँ पे 297, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी ड्राइंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे आपके पास होता है 297 और ये होता है 420। और A2 में क्या का साइज क्या होता है? A2 का साइज होता है 420 × 297 का डबल, कितना होता है? 594। और उसके बाद A1 का क्या होता है? 594 × 420 का डबल प्लस 1, 420 का डबल 840 प्लस 1। और उसके बाद 841 सेम रख दीजिए और 594 को डबल कर दीजिए और उसके बाद 1 ऐड कर दीजिए। इन दोनों में 1 ऐड करना है, बाकी सब में आपका सेम रहेगा। क्या? 210 × 297 × 420 × 594। कैसे? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ऐसे ही आप अगर इंचेस में आपसे पूछा जाए तो इंचेस में भी आप सिर्फ एक का याद कर लीजिए, 8.5 × 11। इसके बाद क्या होगा? 11 आपका इधर आ जाएगा, 8.5 का डबल कितना? 17। उसके बाद 17 इधर आ गया, 11 का डबल कितना? 22। 22 इधर आ गया, 17 का डबल 34। 34 इधर आ गया, 22 का डबल 44। तो इस तरीके से हमको याद नहीं करना पड़ेगा, हम फटाफट इसको सिर्फ एक याद कर लें अपना A4 का, तो आपको पूरा का पूरा डायमेंशन इजिली याद हो जाएगा। टाइटल बॉक्स क्या होता है? आप सबको नहीं पता रहता है टाइटल बॉक्स। ये देखिए, इस तरीके से टाइटल बॉक्स होता है। यहाँ पे इस तरह प्रोजेक्शन लिखते हैं
और यहाँ पे नेम वगैरह लिखते हैं, तो ये बॉक्स होता है टाइटल बॉक्स। तो आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप पढ़ रहे होंगे या अभी पढ़ रहे होंगे तो, लेकिन उसके बाद आपको नहीं पता रहता, तो आप याद रखिए जब कभी ड्राइंग के इंटरव्यू में जाएंगे डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद स्केल, स्केल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर 5 mm का लाइन है उसको आराम से 25 mm दिखा सकते हो अगर आपको स्केल का आइडिया है तो, इसलिए स्केल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। स्केल मीन्स द प्रोपोर्शंस बाय विच द ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज्ड और रिड्यूस इज कॉल्ड स्केल ऑफ द ड्राइंग्स। ए स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग टू एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम। इट इज ऑल्सो टर्म्स एज अ स्केल फैक्टर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स मीन्स आर एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ड्राइंग बाई डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशन ऑफ ड्राइंग जो भी ड्राइंग का डायमेंशन बाई ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ड्रॉ विद द सेम साइज एज विथ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड फुल साइज ड्राइंग। मीन्स जितना आपको बनाना था उतना ही अगर ड्राइंग का शीट में आपको प्रिंट किया है तो क्या बोला जाएगा उसको, फुल साइज ड्राइंग, उसमें कोई भी स्केलिंग आपने नहीं किया है। ठीक है, जिसे इस तरीके से होता है 1:2, 1:20, 1:200, 1:2000, इस तरीके से हम फैक्टर्स चेंज करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि 10 mm है उसको हम 15 mm दिखा सकते हैं, 10 mm को क्या दिखा सकते हैं 1 mm दिखा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है लेटर्स। लेटर्स पे भी आपको थोड़ा सा जो प्रोफेशनल ड्राइंग बनाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए कोड है BIS 9609-1990, रिकमेंड द सिंगल स्ट्रोक लेटर्स फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसमें 3 types के लेटर होते हैं, वर्टिकल, इंक्लाइन एंड नंबरिंग। जैसे कि दिस इज योर वर्टिकल लेटर, दिस इज इंक्लाइन एंड दिस इज नंबरिंग। फॉर वर्टिकल एंड इंक्लाइन लेटर्स विड्थ ऑफ द विड्थ टू हाइट रेशियो इज 5:2:7 फॉर ऑल द कैपिटल लेटर्स एंड 4:7 फॉर ऑल द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। फॉर वर्टिकल एंड इंक्लाइन लोअर केस मीन्स लोअर केस इन द सेंस स्मॉल लेटर अल्फाबेट द विड्थ इज इक्वल टू द हाइट फॉर मेजोरिटी ऑफ द लेटर्स। ठीक है, जितनी विड्थ रखा है उतनी उसकी हाइट रखनी चाहिए। साइज ऑफ लेटर ऑफ 75 degrees इज रिकमेंडेड फॉर द इंक्लाइन लेटरिंग। और उसके बाद स्टैंडर्ड हाइट ऑफ फॉर द लेटर आर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग पता ही नहीं रहता कि मैं लिख तो रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखूँ अगर अपना नाम तो मुझे पता तो है बट ड्राइंग शीट पे क्या साइज में रखना है ये पता है क्या, नहीं। तो क्या रखना चाहिए, 3.5 अगर छोटी ड्राइंग है तो, अगर बड़ी ड्राइंग है 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी तो 10 mm। इसको डिस्टेंस में रखो सो देट आप प्रोफेशनली बोल सको कि अकॉर्डिंग टू BIS कोड ये जो भी हमने लेटर लिखा है वो लिखा हुआ है। मेन टाइटल आपका होना चाहिए 7 mm और 10 mm, सब टाइटल होना चाहिए आपका 5 mm to 7 mm। डायमेंशंस नोट एंड एक्स्ट्रा 3.5 mm to 5 mm के बीच में होना चाहिए। तो अभी आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि कितने mm का साइज रखना चाहिए किस प्लेस पे। तो और इसके बाद है आपका डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग दो तरीके के होते हैं, होता है अलाइंड, एक होता है अनडायरेक्शनल। अनडायरेक्शनल मीन्स किधर भी डाल दिया, अलाइन मीन्स अगर आपको प्रोडक्ट ऐसे है तो आप अलाइन कर सकते हैं उसको। रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, ऑल डायमेंशन ऑन द ड्राइंग मस्ट बी सो यूजिंग आइदर अलाइंड सिस्टम और अनडायरेक्शनल सिस्टम, दो में से कोई एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। इन नो केस शुड द टू सिस्टम्स बी मिक्स्ड ऑन द सेम ड्राइंग, द सेम यूनिट शुड बी यूज फॉर ऑल द डायमेंशंस ऑन द ड्राइंग्स। जो भी आप यूज कर रहे हो फॉलो करो, एक ही पैटर्न से सारे को करो। डायमेंशन लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर और एनी अदर लाइन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। Do not use an outline or a center line as a dimension line. Avoid dimensioning hidden lines. Hidden lines को dimension मत करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। No dimensional should be redundant and to be given only once. Note mentioning the unit should be placed below the drawing. जहाँ भी drawing बनी है उसके नीचे आपको note place करना है, जो भी आपको note रखना है, और note का size रखना है 3.5 mm to 5 mm. These are some types of line.
जो हमें पता नहीं रहता कौन सी लाइन थिक रखनी है कौन सी लाइन थिन रखनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये आपकी कंटिन्यूस लाइन जो होती है इसको आपको थिक रखना चाहिए, और ये कंटिन्यूस ये जो है ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा थिन रहेगा। ये कहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में, एजेस में, डायमेंशन में, लेडर लाइन्स में, ऐसी जगहों पर ये थिन रहेगा। और आउटलाइन के लिए क्या रहेगा, ये थिक रहेगा। और जब आपके लाइन ऐसे जाएगी तो इस पर लिमिट पार्शियली व्यू सेक्शन व्हेन यू लाइन इज नॉट एन एक्सिस, तो हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। ये डैश लाइन है, ये चैल लाइन है, और ये आपका ये भी चैल लाइन है, ठीक है। और ये आपके जैसे हैचिंग आप फिल करते हो तो हैचिंग के लिए मेटल जैसे आप यूज कर रहे हो तो इस तरीके से हैचिंग आपको दिखाना चाहिए। ग्लास के लिए इस तरीके से हैचिंग दिखाना चाहिए। पैकेज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मटेरियल्स जो कुछ फिल किया है इस तरीके से है, जैसे कि स्टोन वेयर है, मार्बल है, इस तरीके से मटेरियल को ऐसे, लिक्विड को इस तरीके से, और वुड को इस तरीके से, कंक्रीट को इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज कंक्रीट के हैचिंग्स ऑल लेवल रहते हैं, इस तरीके से ब्लॉक्स डाल दो बस ऐसा। ऑटोकैड लाइक सबको लगभग पता होगा, ऑटोकैड एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका फुल कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये 1982 में बनाया गया था ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा, दिसंबर 1982 कैलिफोर्निया में इसको बनाया गया था। इसको यूज क्यों करते हैं, यूज इसीलिए करते हैं कि इजिली आप ड्राइंग्स एक्यूरेसी के साथ बना सको। दिस इज द मेन यूज ऑफ लाइन, सॉरी मेन यूज ऑफ ऑटोकैड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज मुझे कोल्ड था तो अच्छी नहीं आई होगी, तो उसको मैनेज करना। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एक ऐसा टॉपिक है हर एक सिविल इंजीनियर को लगता है कि टेस्ट का साइज ये देना है, डायमेंशन का साइज ये देना है, ये आपको हमेशा आना ही चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।